हेलो मित्रों, तो आज का मिसलेनियस क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। क्यूज नंबर चौथा, गंगा की जलोर मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है? बताइए ये कितनी होती है। 6000 मीटर तक होती है, 600 मीटर तक होती है, 8000 मीटर तक होती है, 100 मीटर तक होती है। जहाँ तक हमको पता है ये होना चाहिए आंसर है 6000 मीटर तक होती है। तो गंगा की जलोर मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे लगभग 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये मिसलेनियस क्यूज चल ही रहा है। साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं 11:30 बजे प्रत्येक संडे और मंडे को लाइव क्यूज, वो भी 40 क्वेश्चन का और लेटेस्ट पैटर्न जो BPSC का है उस पर मैं कोशिश करते रहता हूँ लाने का। तो आप उस लाइव में आइए और हमारे क्यूज का लाभ उठाइए। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये मिसलेनियस क्यूज जो है बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और साथ ही साथ हम सप्ताह में 1 से 2 दिन बिहार करंट अफेयर से बिहार स्पेशल करंट अफेयर का वन लाइनर लेकर आता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, अलिनो की जलधारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। देख लीजिए, स्थल तथा समुद्र के तापमानों में भिन्नता के कारण भारतीय मानसून में मौसमी विस्थापन होता है। ऐसा फेरल के नियम के कारण होता है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें पांचवा ऑप्शन हट गया है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो आप आंसर टिकअप कीजिए डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर उनके मतभेद होने की स्थिति में आयोजित होती है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, और पांचवा ऑप्शन आपका रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, वो भी केंद्रीय संसद द्वारा, और वहाँ संरचना भी किया जा सकता है और विघटन, ठीक है, दोनों हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन में, सॉरी। आइए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो इसका डिस्क्रिप्शन है किस अनुच्छेद में है ये। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है विधान परिषद का सृजन तथा जिस राज्य में विधान परिषद विद्यमान है उस राज्य में उसका उत्पादन कर सकती है। आइए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो होता है ना अपघट्य, वो अमोनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन सी। एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तीसरा ऑप्शन है सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट। चौथा ऑप्शन है सोडियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो जल की स्थायी कठोरता का जो कारण है दोस्तों वो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। इन्हें जल से अलग करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण और घुलनशील कार्बोनेट में प्रणीत हो जाते हैं तथा जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला के हम इस अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ कितने साल पहले?
तो ये है 20,000 वर्ष पूर्व, यहाँ 2 लाख वर्ष पूर्व है, उसके बाद 20 लाख वर्ष पूर्व है, और इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 2 खरब वर्ष पूर्व। तो आंसर आपका सॉरी बी नंबर 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी पर सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवाणु प्रोटोजोआ शैवाल आदि का उद्भव हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मासकी का लघु स्तंभ, रुमनी देवी स्तंभ, किन स्तंभ, भावलो स्तंभ। अब अशोक से रिलेटेड बहुत सारा स्तंभ है, उससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो आप वहाँ से डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो भाबरू स्तंभ है, ऑप्शन डी। अशोक के भाबरू विराट अभिलेख में स्वयं को देवनाम पिय प्रियदर्शनो मागधो कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। काबुल, कंधार, कुंडजू, गजनी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो झगड़े की जड़ ये कंधार थी। कंधार राज मुगलों और ईरान के शासकों के मध्य झगड़े का प्रमुख कारण था। दो असप्पा सिंह सप्पा प्रथा किसने शुरू की थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये आंसर है दोस्तों इसका जहांगीर है। मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए जहांगीर ने सवार पद में 2 असपा एवं सिंह असपा की व्यवस्था की। INA के किसके दिमाग की उपज थी। किसने इसकी स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह। INA की स्थापना का ख्याल सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। वे आजाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1941, कार्यकारिणी कमेटी 1945, कार्यकारिणी कमेटी 1946। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। तो 1937 के चुनाव के फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों का गठन हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भू स्वामित्व को स्वात करने की नीति अपनाई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई। तो ये सब दोस्तों क्वेश्चन भी आते रहता है। ये 1934 में हुई। तो देखिए इसका डिस्कशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी ने मिलकर की थी। इसकी पहली बैठक 1934 पटना में हुई। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, बिरसा मुंडा ने, और पांचवा ऑप्शन तो आप जानते ही हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में अलग प्रांत की मांग के लिए आंदोलन किया। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 15 रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य थे। जिला कहाँ के, जमशेदपुर के, दरभंगा के, पटना के, मुंगेर के। और ये आपका आज़ादी के पहले के रामविलास सिंह हैं, अभी के नहीं। अच्छा अभी के तो रामविलास पासवान थे, वो भी चल बसे। आइए रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिला जमशेदपुर के। वर्ष 1939 में गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस साल बोस और उनके समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मुंगेर के रामविलास सिंह इसके सक्रिय
सदस्य थे। तो आज का 15 क्वेश्चन का जो सीरीज था दोस्तों वो पूरा हुआ। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।